डाउनलोड करो पॉपअप पर, ओके करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। लाखों तक? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने के लिए फायरबॉल की ब्रांडिंग के साथ आने वाला स्मार्ट वॉच है, जिसके लिए अनबॉक्सिंग मेरा करने वाला हूँ। ए टू जेड डिटेल्स एंड प्राइसिंग मेरा बताऊंगा, ये बताऊंगा क्या इस प्राइस में इसको परचेज मेरा करना चाहिए कि नहीं। आपको तो खर्च करने पड़ेंगे पैसे, क्योंकि मैंने परचेज करने के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया, क्योंकि इनका जो ब्रांड है मैंने पर्सनली मुझे भेजा है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने हकीकत में एक भी रुपये खर्च वगैरह नहीं किए। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये डिटेल्स वगैरह बताऊंगा मैंने कहाँ से कैसे मुझे मिला है। तो वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ कमाल की अनबॉक्सिंग डिटेल वीडियो लाते रहता हूँ, उसे अपने फोन पे सबसे पहले जल्दी जल्दी देख पाए। तो चले फिर दोस्तों, ये दोस्तों हमारा फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच की बॉक्स पैकिंग, जहाँ पे आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग की गई है, अल्ट्राटॉक की ब्रांडिंग की गई, जो बेसिकली इसका मॉडल नंबर है। स्मार्ट वॉच का इमेज दिया गया, जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सही से लग रही है, जहाँ पे आपको इधर फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया, हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, मेटल बॉडी वगैरह मिल जाती है, इन सब की ब्रांडिंग की गई, यहाँ पे आपको डिटेलिंग फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया। तो बॉक्स पैकिंग देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, iOS एंड्रॉइड दोनों पर सपोर्ट वगैरह करता है, तो उसकी भी ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे कुछ QR कोड दिया गया, जिसको स्कैन करके इसका ऐप वगैरह उसको डाउनलोड करके कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो बॉक्स पैकिंग जैसे पता काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया, अल्ट्राटॉक की यहाँ पे भी ब्रांडिंग की गई है। तो बॉक्स पैकिंग जैसे बताऊँ काफ़ी अच्छी है, फटाफट ओपन वगैरह करते हैं और देखते हैं स्मार्ट वॉच में एक साथ और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है ओपन करने में जिसकी बॉक्स पैकिंग होती है। तो सबसे पहले रखा मिल जाता है फायरबोल्ट की यूजर मैनुअल, जो काफ़ी मोटी, इसको डिजिटली कर देना चाहिए, QR कोड के साथ अटैच कर देंगे तो ये सब चीज़ अगर झंझट खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर ब्रांड बेसिकली ऐसा कर रही है, QR कोड दे देती है, उसको स्कैन करके ए टू जेड फीचर्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं। ये निकलने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा हम नहीं निकलेंगे, जो भी कुछ करना कर लो, का मतलब ये दोस्तों हमारा फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच, इसको साइड में रखते हैं। और भी बहुत चीज़ें दी गई हमारे दिखाने के लिए, हमारे लिए खास करके भेजा फायरबोल्ट ने। ये दोस्तों इसका चार्जिंग जो चार्जिंग डॉक है, जो इसके अदर ब्रांड से अलग है इसका चार्जिंग डॉक। इसका चार्जिंग डॉक जो है किसी और ब्रांड के साथ अभी यूज वगैरह नहीं कर सकते, जो सेपरेट बनाता है इसको। ये दोस्तों फायरबोल्ट का काफ़ी सारे कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, इतने कार्ड तो इसके कहीं तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ वारंटी कार्ड मिल जाता है, और भी चीज़ें एडवर्टाइजिंग कार्ड वगैरह मिल जाता है, सावन गाना का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, उसके बारे में बताया गया, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। तो डिटेलिंग वगैरह जब आपको टाइम मिले चेक कर सकते हैं घर पर बैठ के। तो चले फिर दोस्तों, ये हमारा फायरबोल्ट अल्ट्राटॉक स्मार्ट वॉच, जिसके सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो कलर तो देख पा रहे हैं, ब्लैक एंड सिल्वर एंड ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन है, जो देखने में काफ़ी सही से लग रही है। जहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इस टाइप की बात करूँ दोस्तों, तो रबड़ बिल्ड क्वालिटी आती है, जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे स्ट्रैप की बात करूँ, बकल्स की बात करूँ, तो ये भी इसके लिए फायरबोल्ट की ब्रांडिंग के साथ आता है, और इसके लिए स्टेनलेस स्टील के साथ आता है, दो दो सपोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे स्विच वगैरह कर पाएंगे। जहाँ पे कोई डायल की बात करूँ तो ये भी इसके लिए फुल्ली स्टेनलेस स्टील के साथ आता है। इसके नीचे फ्रेम की बात करूँ तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, जहाँ पर आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर आपको एसेंस दिया गया, अटैचमेंट दिया गया, जो चार्ज वगैरह कर सकते हैं, जैसे इसको अटैच वगैरह करेंगे चार्ज वगैरह होने लग जाएगा। इसकी खासियत तो आपको पता ही है, गलत साइज से अटैच नहीं होता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लगभग सारे स्मार्ट वॉच में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर दिया गया, तो सेंसर वगैरह अटैच वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ें मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं। डायल की बात करूँ तो जैसे बता स्टेनलेस स्टील है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो ऑसम लेवल के मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाता है, ये आपको मतलब मैनुअल बटन मिल जाता है, आगे पीछे पीछे करने के लिए बेसिकली मेन बटन मिल जाता है। और ये जो बटन की बात करूँ दोस्तों, डेडिकेटेड है, सिर्फ कॉलिंग वगैरह कॉल के लिए यूज वगैरह कर सकते हैं। ये आप कॉल सारे फीचर जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली कॉल में चले जाएंगे, कहीं भी रहिए, कुछ भी यूज वगैरह करते रहिए, कुछ भी ऐप वगैरह यूज करिए, डायरेक्टली क्लिक करेंगे कॉलिंग वगैरह चले जाएंगे। तो ये इसका फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डेडिकेटेड कॉलिंग के लिए बटन वगैरह दिया गया, जो काफ़ी पर्सनली बताऊँ तो अच्छा लग रहा है। अभी ये दोस्तों कर्व डिस्प्ले दिया गया, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं दोस्तों, बीच में आंटी आ गए थे डिस्टर्ब करने के लिए। अब बात करो उसके डिस्प्ले की दोस्तों, तो 1.39 इंच का कलर डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड नहीं है, IPS डिस्प्ले, लेकिन कर्व है। लेकिन कर्व की बात करो दोस्तों, तो कर्व डिस्प्ले नहीं है, इसका एज वगैरह वही कर्व है, तो ये भी काफ़ी डिजाइन अच्छा लगता है देखने में। कर्व होने के साथ साथ डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कलर डिस्प्ले का एक चीज़ बता दो दोस्तों, खास ये होता है कि धूप वगैरह में जाता है तो विजिबल वगैरह अच्छे से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली, विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती। डिस्प्ले जैसे बताओ 1.39 इंच का, तो अपने प्राइस
सेगमेंट में दोस्तों इतने फीचर के साथ सबसे बड़ी डिस्प्ले आने वाला पहले स्मार्ट वॉच है। इतने बड़ी डिस्प्ले किसी भी स्मार्ट वॉच में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अब इसकी बैटरी लाइफ की बात करें दोस्तों, एक बार चार्ज कर लेंगे तो आप एक हफ्ते का आसपास बैटरी लाइफ यूज़ वगैरह कर पाएंगे। ब्राइटनेस के ऊपर ज़्यादा ब्राइटनेस यूज़ करेंगे तो थोड़ा कम हो सकता है, कम ब्राइटनेस करेंगे तो एक आधी ज़्यादा बैटरी लाइफ वगैरह देखने के लिए मिल सकती है। डिटेल फीचर्स की बात करें दोस्तों, डिटेल फीचर्स आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे फीचर्स वगैरह दे दूंगा, वहाँ जाकर सारे फीचर्स वगैरह रीड कर सकता है। अब इसकी फीचर्स वगैरह की बात करो दोस्तों, तो वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यही एंटी अभी हमसे बकर बकर कर रही थी तो इसका ऑप्शन मिल जाता है, ये तो बता दिया। डेडिकेटेड कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको कॉलिंग वगैरह जो भी डायल पैड वगैरह आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह में जा सकते हैं। परमिशन देना पड़ेगा, ऐप से बता दूंगा, ऐप से जाएंगे तो परमिशन देंगे तो वहाँ से आपको सारी एक्सेस वगैरह मिल पाएगी। जैसे बताऊँ यहाँ 1.9 रेट करते हैं। इसकी क्वालिटी की बात करो दोस्तों, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो ए टू जेड कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, तो यहीं से कॉलिंग वगैरह कर पाएंगे, म्यूट वगैरह कर पाएंगे, कॉलिंग भी कट वगैरह यहीं से कर सकते हैं। इसकी बात करूँ तो इधर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, जैसे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर की बात करूँ तो इधर से आपको मैसेज रीड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा दोस्तों सेटिंग वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ए वी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, थिएटर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, और ब्राइटनेस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको टेम्परेचर वगैरह देखना, वेदर टेम्परेचर उसका मिल जाएगा। और इधर की बात करूँ तो इधर से आएंगे तो सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, आपको बहुत सारे ऑप्शन, नाइट फिजिकली इसमें अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऑप्शन के मामले में दोस्तों हार्ट रेट सेंसर, बीपी मॉनिटर वगैरह मिल जाएगा, टेम्परेचर भी मॉनिटर वगैरह कर पाएंगे, टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं, ये भी मॉनिटर वगैरह कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं वाली। इस टाइप का तो नॉर्मल ऑप्शन है मिल जाती है। इधर आपको म्यूजिक कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी बहुत सारे कोने कोने में छुपे फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो फीचर्स के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे बताया मेन फीचर तो इसका कॉलिंग का है ही, लेकिन और भी बहुत सारे फीचर्स वगैरह दिए गए। ब्राइटनेस कम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करना चाहें उतना ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसानी से वगैरह कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। एक ऑप्शन इसमें आपको दोस्तों नहीं मिलेगा, वॉच फेस वगैरह चेंज करने का ऑप्शन यहाँ से नहीं मिलता। उसके लिए आपको ऐप में जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको ब्राइटनेस वगैरह टॉर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ी बहुत धूप अंधेरे में रहेंगे तो यहाँ से टॉर्च वगैरह ऑन करके थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें देखना चाहें अंधेरे में तो उसको डिटेलिंग में देख पाएंगे। डा फिट ऐप है जिसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से जाएंगे तो और भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन क्या ही है, जो फीचर वगैरह मिलता है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आपको वॉच फेसेस यहीं से चेंज कर पाएंगे, वहाँ से चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन देना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, कॉन्टैक्ट वगैरह के जैसे चाहिए आप तो कॉन्टैक्ट वगैरह फ़ोन नंबर उसमें चाहिए तो यहाँ से आपको परमिशन देना पड़ता है। परमिशन देंगे तभी यहाँ से आपको चीज़ें मिल पाएगी। यहाँ से पर्सनली आपको सारे फ़ोन नंबर एक बार ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऐप में जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपको जैसे कॉलिंग वगैरह करते हैं तो ऐड पहले कर लेंगे एक बार तो ऑटोमेटिकली यहीं से कंट्रोल वगैरह कर पाएंगे। तो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं दोस्तों, कॉलिंग वगैरह की जैसे बताऊँ क्वालिटी वगैरह काफ़ी उतनी अच्छी तो नहीं है, प्राइसिंग के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एवरेज क्वालिटी मिल जाती है। वॉच फेस वगैरह चेंज वगैरह कर पाएंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे बताएं मिल जाते हैं। ऑप्शन यही है दोस्तों, जितने ज़्यादा यूज वगैरह कर पाएंगे उतने ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज जैसे बताया, प्राइसिंग के हिसाब से नहीं करने वाली। चले फिर दोस्तों, एटीजी डिटेल्स वगैरह बता दिया, फीचर जैसे बताया दोस्तों, बैटरी लाइफ वगैरह, वो ब्लूटूथ कौन सा कनेक्टिविटी सपोर्ट वगैरह करता है, आपको सारे कमेंट बॉक्स में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट वगैरह कर दूंगा, लिख दूंगा, वहाँ से जाके एटीजी डिटेल्स वगैरह कर पाएंगे। तो चले फिर दोस्तों, आज के लिए इतने, तो उम्मीद करता हूँ सारे फीचर्स वगैरह आपको बता दिया हूँ। फीचर्स वगैरह अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। इसको परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा, और मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग की है, उन सब का भी लिंक मिल जाएगा, उसको परचेज करना चाहेंगे तो उसका भी लिंक दे ही दूंगा। चले फिर दोस्तों, आज के लिए इतना था, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।